हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने के बाद आप उसको क्लीन कैसे करें। ऑल्सो गाइज, आप उसको क्लीन करने के बाद कैसे स्टोर कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कैसे करना है इस पर मैंने एक वीडियो अपने चैनल में बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़्यादा बात किए बिना वीडियो में मूव ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया है, क्लीन बाउल लेना है और उसमें डेटॉल का ये हैंड वॉश डाल लेना है। आप कोई भी हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ डेटॉल हैंड वॉश ले रही हूँ। उसके बाद एक लिक्विड सोप लेना है, मैंने यहाँ लिक्विड विम बार लिया है और इसकी कुछ ड्रॉप मैंने बाउल में मिक्स कर ली है। अब मैं अपना डर्टी ब्यूटी ब्लेंडर लेकर के इसको अपने बाउल में डिप करूंगी और इसको चारों तरफ अच्छे से लगा लूंगी, जिससे कि ब्यूटी ब्लेंडर में पूरा लिक्विड अच्छे से लग जाएगा और इसका डर्ट जो है वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब ब्यूटी ब्लेंडर कुछ हद तक क्लीन हो चुका है। अब हम इसको पानी में डिप करेंगे और अच्छे से रगड़ के साफ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। रिजल्ट आपके सामने है फ्रेंड्स। हमेशा जब भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करिए, हमेशा क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना चाहिए। अब सारी डर्ट जो है वो निकल चुकी है, तो अब हम अपने ब्यूटी ब्लेंडर को पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे, मतलब कि धुल लेंगे और देख लेंगे कि अब इसमें सर्फ रह तो नहीं गया है। अगर सर्फ है तो एक बार फिर से इसको पानी से अच्छे से धुल लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर तैयार है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो आप इसे इजीली घर पे आराम से क्लीन कर सकते हैं। अब मैं इसको एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख दूंगी, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब हमारा ब्यूटी ब्लेंडर सूख जाएगा तब मैं इसको एक कंटेनर में रख दूंगी, क्योंकि मेरे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कोई भी कंटेनर मुझे मिला नहीं था, इसलिए मैंने इसके साइज़ का एक कंटेनर लिया है और मैं इसको उस कंटेनर में सूखने के बाद स्टोर करके रख लूंगी। ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो कि ब्यूटी ब्लेंडर को किस तरह से क्लीन किया जा सकता है। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।